हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ दामिनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज है संडे और आज का मेरा रूटीन जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। ये देखिए मेरे पास में ये समर वड़ा। तो आज मैंने ये घर पे नहीं बनाया, लेकिन मनु के पापा ने जो है, मेरे हस्बैंड ने तो उन्होंने जो है वो बाहर से ही लेकर आए थे। तो बाकी उन्हें सब ने खा लिया, जैसे कि मनु ने, कृष्णाली ने और उसके पापा ने भी खा लिया और वो बाहर चले गए। अभी मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और जब तभी मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। तो चले अभी मैं नाश्ता करती हूँ और मैं साथ ही में आप लोगों से बात भी करती हूँ। आप लोग सबसे पहले बताइए आज मेरी बीच में से मांग आपको कैसी लग रही है। यम्मी। ये ना एक बार मनु के दादाजी ने इसको मनु को और कृष्णाली को ले जाके वहाँ पे खिलाया था होटल में, तो उनको तब से इतना पसंद आने लगा ना। तो हर संडे हो या छुट्टी के दिन हो वो लेके जाते हैं उनको बाहर। और आज तो उनके पापा लेकर गए थे और उन्होंने फिर यानी वो बाहर से खा कर आए थे और मेरे लिए लेकर आए हैं। तो वही मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और मैंने बोला कि मेरी बीच में से माँ। तो आज फर्स्ट टाइम जो है वो मैंने अपने चैनल पर इस तरीके से अपनी हेयर स्टाइल की है। वो पहले मैं अक्सर बनाया करती थी लेकिन बहुत दिनों से नहीं बनाई, आज ऐसा ही मूड बन गया मेरा तो बनवा ली। तो ऐसा मेरी मम्मा है ना, अक्सर इस तरीके से चोटी डालती है। तो वो बोला करती मुझे, जैसे कि घर की लेडीज की अगर सीधी मांग हो ना तो घर के सब काम जो है वो सीधे ही होते हैं, उल्टे नहीं होते। इस वजह से हमेशा जो है वो हाउसवाइफ ने हो या घर की लक्ष्मी ने जो हो बीच में से मांग बनानी चाहिए। आज कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है मेरा। अभी जस्ट मुझे अभी ना आज मेरा आटा खत्म हो गया है तो मुझे अभी गेहूँ साफ करके जो है वो आटा पीसने के लिए चक्की पर जाना है। ज़्यादा गंदे नहीं होते हमारे गेहूँ, जैसे कि साफ किए हुए बोरी लाते हैं हम, तो वही बस ले जाके उसे पीसने के लिए देना है। तो इसके बाद में मैं वही करने जाऊंगी। और आज है ना आप मेरे घर की हालत पर बिल्कुल भी मत जाएगा। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे बेड पर जो है वो पूरा का पूरा आपको जो है इस तरीके से चीजें मिलेंगी, क्योंकि बच्चा जो है वो सब कुछ उनकी ड्राइंग वगैरह करती रहती है या फिर कुछ उनकी बुक्स की सब कुछ वो ऐसे बिखेर के रख देती है। तो मैं जब तक वो घर पे हूँ उनको बिल्कुल भी सीमेंट कर नहीं रखती हूँ, वैसे ही रहने देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी ना मैं गेहूँ साफ करती हूँ और गेहूँ रख कर आती हूँ चक्की पर, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं होता ना। तो फिर और फिर उसके बाद में मुझे खाना बनाना है और बच्चों को जो है वो उनको स्नान करवाना है। कृष्णाली की थोड़ी सी तबीयत खराब है क्योंकि कृष्णाली को हो रखी है सर्दी, तो कृष्णाली को सिर्फ मैं आज उसके हाथ पैर ही धो लूँगी और मनु को जो है वो आज स्नान ही करवाऊँगी। लेकिन बाल वगैरह जो है ना वो मैंने उसके कल ही धो दिए थे क्योंकि कल था गजानन महाराज जी का प्रकट दिन। तो हमारी बिल्कुल नज़दीकी है शेगांव गजानन महाराज जी का, तो कल उनका प्रकट दिन था तो कल उनकी स्कूल को छुट्टी थी, तो मैंने कल ही उसके बाल वगैरह सब कुछ धो दिए थे। लेकिन आज सिर्फ उसको जो है वो स्नान करवाऊँगी, उसे के हाथ से वो कर लेगी। तो चलिए अभी गेहूँ पीस कर आती हूँ मैं। बैंड वाले का बागन आता मदर नाथनों का सारा आवाज लेके बागन आता बैंड वाले समोर है, बैंड वाले नाचता है मदर नाथनों का। और ये कल का कुछ बचा हुआ आटा रखा है मैंने, उसी की मैं भी रोटियां बना लूंगी। तो कल शाम को है ना मैंने बनाई थी दाल पालक और
वो काफी बची हुई है मेरी, काफी मतलब इसके पापा ने जो है वो रात को खाना नहीं खाया था, वो काम की वजह से बाहर गए थे तो उन्होंने बाहर ही खाना खा लिया। तो अभी जो है वो मैं सिर्फ रोटियां बनाऊंगी, तो कल की जो दाल पालक है वो मैं खा लूंगी, और बच्चों के लिए देखती हूँ आज कुछ आलू का पराठा वगैरह बना लूंगी उनको। तो आलू के पराठे की रेसिपी मैंने आपसे पहले ही शेयर कर ली है तो वो नहीं दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी जो है वो मैं रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद में नहीं लेकिन मैं अभी आटा गूंथ कर रख देती हूँ, और फिर बच्चों को मुझे जो है वो स्नान का बाकी है ना मेरा, तो उनको वो स्नान करवा दूंगी पहले, फिर बाद में मैं अपनी रोटियां बना लूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं बच्चों के लिए आलू का पराठा बनाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मम्मा हमें जो है गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी चाहिए, तो वही मैं अभी बनवा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने सब रेडी करके रखा हुआ है, प्याज वगैरह सब कुछ कट करके रखा हुआ है, और अभी मैंने कढ़ाई जो है वो गैस पर चढ़ा दी है और गोभी को मैं कट करवा रही हूँ। तो ये मैं बिना पानी वाली पानी की सब्ज़ी बनाऊँगी, जिसे मैं पानी में नहीं ऐड करूँगी, बिना पानी के ही बनाऊँगी। तो जो टमाटर होता है उसी में ये पक जाती है, और हम मिडिल क्लास लोग हैं यार, तो हम जो है वो बचा कुछ अगर रात का अगर कुछ बच जाए तो वो भी हम खा ही लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि मैं दाल पालक खा लूँगी, जैसे मैंने कल रात को बनाई थी, तो मैं फेंकती नहीं हूँ अक्सर, उसे गर्म गर्म कर जो है वो खा लेती हूँ। बच्चों को वगैरह नहीं खिलाती हूँ लेकिन मैं खा लेती हूँ। और अभी आप देख रहे हो मैं मसाले निकाल रही हूँ एक बाउल में, तो इनमें पानी ऐड करके मैं जो है इसमें डाल दूँगी तेल में, ऑयल में। तो क्योंकि इस तरीके से आप अगर मसाले डालोगे तो हमारे मसाले जो है वो जल नहीं जाते, अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन हमें जो है वो उसे अच्छे तरीके से होने देना होता है, जैसे कि उसका पानी जो है वो हमें पकने देना होता है। तो अभी मैंने लहसुन भी डाल दिया, प्याज वगैरह डाल दिया, लहसुन डाल दिया, और अभी मैंने आपको जो रोटियां दिखाई है वो भी कल रात की बची हुई है। तो देखती हूँ मैं इसे जो है वो आज शाम के टाइम स्नैक्स में, यानी कि जैसे शाम के टाइम के नाश्ते में बना लूँगी, पोहे पोली का चूरमा, या फिर कल सवेरे, तो फ्रिज में रख लूँगी मैं इन्हें, अच्छे तरीके से रह जाती है। तो या फिर कल सवेरे मैं इसका चूरमा बना लूँगी नाश्ते के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से अपना सब्ज़ी जो है वो बनवा रही हूँ। मैं नहीं फेंकने देती हूँ, फेंक देती हूँ, जैसे कि रहने देती हूँ सब कुछ। तो सब्ज़ी को जो है वो हमें बीच बीच में दो तीन बार हिलाना भी होता है, क्योंकि नहीं तो वो चिपक जाएगी कढ़ाई में। अभी मैंने इसे जो है पहले एक बार दो बार हिलाया था, और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सा यानी बिल्कुल इसे बिल्कुल थोड़ा सा जो है हमें गरम मसाला इसमें ऐड करना होता है। मैं ऊपर से ही गरम मसाला ऐड करती हूँ, जैसे कि ऑयल में नहीं डालती हूँ किसी भी सब्ज़ी में, तो अच्छा स्वाद आता है। तो वही मैं गरम मसाला इसमें ऐड कर लूँगी और फिर मेरी सब्ज़ी जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने अभी इसमें थोड़ी सी भाप जमने, तो अभी जो है वो मेरी सब्ज़ी पककर तैयार हो चुकी है। अपने बच्चों को खाना परोस रही हूँ, तो दोनों को अलग अलग थालियों में मैं दे देती हूँ। तो बस बच्चों को खाना देने के बाद में मैंने अपने कपड़े वगैरह जो थोड़े से बाकी थे वो धो दिए थे।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है वो दोपहर का एक बज चुका है और मेरे सवेरे के जो सब कुछ काम होते वो हो चुके हैं। और अब ये देखिए, मैंने कल रात को दाल पालक बनाई थी ना, मैंने आपको बोला है शायद, तो वो दाल पालक को अभी मैं तावे पर जो है वो थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत पसंद आता है वैसे रोस्ट करके। तो इसे अच्छे तरीके से पहले जो है हमें क्या करना होता है, फुल गैस पर इसे पूरी गर्म कर लेनी है, फिर गैस की आंच धीमी कर कर इसे काफ़ी देर तक उसे रोस्ट होने देना है, फिर इसे क्रंची बन जाती है। तो वैसे बनाकर अभी मैं खाना खाऊंगी। तो अभी जो है वो सवेरे के सब काम हो चुके हैं इस वजह से, और अभी मुझे लगी है जोरों की भूख। मैंने सब कुछ आपके साथ में आज शेयर किया है, मेरा संडे का मॉर्निंग का रूटीन आपको कैसा लगा। और चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ, आप सब लोग भी आ जाइएगा। और इसके बाद में मुझे अभी इस ब्लॉग की एडिटिंग करनी है और फिर और भी ब्लॉग नहीं लेकिन वीडियो बनाने हैं मुझे, तो वो बनाऊंगी मैं। और साथ ही में बच्चों की अभी एग्ज़ाम है अगले महीने से, तो उनको पढ़ाना भी है, ये सब कुछ करूंगी मैं इसके बाद में। तो चलिए अभी फटाफट से मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय।